बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक नए वीडियो में हाजिर हुई हैं और एक नए वीज़े के साथ, क्योंकि कुछ वीडियोस हम बनाते हैं जब हम फाइल्स का प्रोसेस आपको बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे तो आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। और फिर कुछ वीडियोज़ जब वही हमारे वीडियोज़ लोग देखने के बाद हमसे फाइल्स प्रोसेस करते हैं एग्जैक्टली वही उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग उनको प्रोसेस बताते हैं कि इस तरीके से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, चेकलिस्ट कंप्लीट उनको देते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं। कुछ लोग तो टाइम ले लेते हैं, 3 मंथ्स 6 मंथ्स 9 मंथ्स तक अपनी डॉक्यूमेंटेशन की प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद जब वो हमसे फाइल्स का प्रोसेस करते हैं तो उसके रिजल्ट में ये मैंने पासपोर्ट रखा है, ये वीजे के साथ वो लेकर आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक हमारे अफगानिस्तान के भाई हैं, टर्की से वीजा इन्होंने अप्लाई किया है और इनका वीजा ग्रांट हुआ है जर्मनी का, मल्टीपल वीजा हुआ है। मैं आपको कुछ इनकी ये पहले आप वीजा देख लें। इनका जी मल्टीपल वीजा ग्रांट हुआ है टर्की से मार्च सितंबर 2022 से लेकर फेब मार्च 2023 तक वैलिडिटी है वीजा की, और मल्टीपल 90 डेज का वीजा ग्रांट हुआ है। खास बात क्या है इस पासपोर्ट के ऊपर जर्मनी का वीजा ग्रांट होने की? देखें, अफगानिस्तान के पासपोर्ट पर आप टर्की से वीजा अप्लाई करें और वीजा आपको 90 डेज का मिल जाए, ये आप लोगों को भी मिल सकता है अगर आप ये जो टाइप्स हैं, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप पूरी कर लें। तो इनके लिए हमने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे? हमने तो जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, लेकिन जो उनके पास जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन हमने उनको बताई थी, वो जरूरी है जाना आप लोगों के लिए, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट्स आपने भी इकट्ठे करने हैं, कंप्लीट करने हैं, रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करेंगे तब आप जाकर आपका वीजा ग्रांट होगा। इनके पास वर्क परमिट था यहाँ पर, हमने कहा कि अगर आप वर्क परमिट ले लेते हैं, आप यहाँ पर अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, तो आप डॉक्यूमेंट्स ये वाले लेकर आ जाते हैं। प्रॉपर्टी नहीं भी है तो एटलीस्ट इन तीन चीजों में से एक चीज भी अगर आपकी स्ट्रांग है, यानी कि अगर आपके पास वर्क परमिट है, तो हम आपके इस बेस पर वीजा अप्लाई करेंगे तो आपका वीजा ग्रांट हो जाएगा। मजे की बात यह है कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री मैं आपको पहले दिखा दूं कि ट्रैवल हिस्ट्री, ये इनका वीजा लगा, ये इनकी ट्रैवल हिस्ट्री, जरा देखें। कोरा पासपोर्ट, जस्ट टर्की की एंट्री हुई हुई थी, टर्की के वीजे लगे हुए थे और उसके बाद इन्होंने आकर इधर टीआरसी अप्लाई कर लिया था, टीआरसी के बाद इन्होंने वर्क परमिट अप्लाई कर लिया, वर्क परमिट इन्होंने कंपनी के थ्रू इन्हें वर्क परमिट मिला। तो जनाब इनकी बैंक स्टेटमेंट लगी, इनका वर्क परमिट लगा, होटल बुकिंग जो हमने लगाते हैं नॉर्मल, एक लाइक नॉट कन्फर्म, जैसे रिजर्वेशन, फ्लाइट बुकिंग रिजर्वेशन, ट्रेवल इंश्योरेंस और वीजा रिक्वेस्ट लेटर, ये चीजें हम इनको बनाकर देते हैं। उनके रिजल्ट में इनको 6 मंथ्स मल्टीपल का वीजा ग्रांट हो गया। आप लोग अपने चांसेस जाया मत करें, पैसा जाया मत करें, सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम। आज अगर आप वीजा अप्लाई कर लेते हैं 3 महीने 6 महीने तक आपका खुदा ना खासा डिसीजन नेगेटिव आ जाता है, तो आप 6 महीने वेट करना पड़ जाएगा आपको, या साल वेट करना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि आपको शेंगेन जोन के अंदर जब भी आप दोबारा वीजा अप्लाई करेंगे तो यही होगा कि आपने पहले वीजा अप्लाई किया था, फिंगरप्रिंट आपने दी थी, वीजा रिफ्यूज हो गया था। ट्राई करें, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, यानी कि आपके साथ एक अजाना सी हाथ दो हाथ जोड़कर करता हूं कि वीजा अप्लाई करें लेकिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करें, पैसा भी बचाएं, अपना टाइम भी बचाएं, सबसे बड़ी बात यह कि अपना चांस बचाएं, उसके बाद आप वीजा अप्लाई करें। फिर आपके नसीब में होता है जब आपके डॉक्यूमेंट्स जब तक कंप्लीट नहीं होंगे आपका अपना दिल मुतमिन नहीं होता। जब आपका दिल मुतमिन नहीं होता तो आप हमारे पास डॉक्यूमेंट्स लेकर भी आएंगे तो हमें पता होगा कि वीजा नहीं लगना, लेकिन उसके बावजूद हम इसलिए आपकी फाइल ले लेते हैं कि आप कहते हैं यार इनका एटीट्यूड आ गया, ये फाइलें नहीं लेते। आपसे रिक्वेस्ट है अपना टाइम, पैसा, चांस बचाएं, डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीशन करें, थोड़ी सी ट्रैवल अगर देखा आप, जैसे इनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ये देखना आपके सामने बिल्कुल खाली कोरा पासपोर्ट, जस्ट टर्की की ये देखें एंट्री लगी हुई है लेकिन वीजा लग गया अफगानिस्तान के पासपोर्ट पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह ने कहा।